नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 23 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। जाने लायक मुद्दों में यूपीएससी टॉपर्स राइट टू कैडर, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, बीट्स एंड मिनरल में सरकार क्या नई नीति बना रही है, एंटी डिफेक्शन के बारे में एक कॉलम था, बाकी कुछ खास काम की चीज़ें नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मंगलवार रात 9 बजे यूपीएससी ऑल इंडिया सेकंड रैंक इस जागृति अवस्थी और मेरा एक ड्यूअल सेशन होने वाला है, दैट इज़ फॉर यूपीएससी 2022 का रोड मैप। अपना स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू, हर स्टेज के लिए उसकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ इफ़ यू पार्टिसिपेट इन द लाइव सेशन तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं टॉपर को, सो ऑल दैट इज़ पॉसिबल। और ये उसका रजिस्ट्रेशन लिंक है unacademy.com पे और आप फ्री अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं mrunal.org। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये 23 अक्टूबर शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में काम की चीज़ें क्या थी। सबसे पहले पेज 1, मोनोजाइट, गार्नेट, इल्मेटाइट और जिरकॉन, इसको याद रखना, ये चार को कंबाइंड बोला जाता है। दीज आर बीच सैंड मिनरल्स, समुद्र तट की रेत खनिज। इसका उपयोग क्या है, इसमें खासकर ये जो मोनोजाइट चीज़ है उसमें से आप थोरियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर आप और ज़्यादा प्रोसेसिंग करें तो आप न्यूक्लियर फ्यूल, परमाणु ईंधन भी बना सकते हैं। तो अभी तक केवल सरकारी संस्थान ही इसका माइनिंग यानी खनन कर सकते थे, लेकिन अभी मोदी सरकार ये सोच रही है कि निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी अनुमति देते हैं। लेट अस ऑल्सो अलाउ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टू डू द बीच सैंड माइनिंग एज वेल एज ऑफशोर मिनरल माइनिंग। ऑफशोर मिनरल माइनिंग और वो सब पॉलीमेटालिक नोड्यूल क्या होते हैं और वो सब देख लेना ज्योग्राफी में। उसके बाद हम पढ़े तो पेज 2, 3, 4, 5 कुछ खास काम का नहीं। पेज 6 पे कॉलम्स हैं, उसमें एक छोटी सी कॉलम ऐसी आती है कि इसी तारीख को, मतलब 23 अक्टूबर को इतिहास में क्या हुआ था। तो 23 अक्टूबर 1981 में इतिहास में क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अमरीकी राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन को मिली थी, उसमें उन्होंने ये कहा, शी अपोज द सेल ऑफ F-16 फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। लड़ाकू विमान मत बेचिए आप पाकिस्तान को, हमारे इलाके में माहौल ख़राब होता है। तो रोनल्ड रेगन ने उसका जवाब बताया कि आपकी बात सही है, लेकिन शीत युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, रशिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पाकिस्तान को लड़ाकू विमान बेचना अमेरिका की ज़रूरत है। यानी आप सोचिए, World War II हैड एंडेड तो फिर तो कौन सा हिटलर था कि अभी और ज़्यादा हथियार सबको देने, लेकिन फिर भी ये शीत युद्ध के चलते निशस्त्रीकरण, डी वेपनाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग जगह अमेरिका रशिया की अपनी लड़ाई में और ज़्यादा शस्त्र देने का काम किया गया। तो आज के ज़माने में जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उसमें कई विवाद ऐसे हैं जिसका जड़ किधर है, शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन डन बाय अमेरिका एंड USSR ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। खैर, ये सब बंदूक मिसाइल का ही नाम लिया है, तो भारत भी MK-54 टॉर्पीडो मिसाइल खरीदने वाला है। किससे, अमेरिका से खरीदने वाला है, ताकि अपने नेवी के जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है उसमें वो सब लगा सके। पेज 7 पर कुछ और कॉलम है, उसमें एक है एंटी डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन यानी पक्षांतर, एक दल को बदल के दूसरे दल में चला जाना। तो इसमें क्या है कॉलम में जाने लायक चीज़, पॉलिटिकल पार्टी में 2 टाइप के लीडर्स आते हैं, 2 किस्म के लोग आते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको पक्ष की विचारधारा के वो भक्त हैं इसलिए वो आए हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनको विचारधारा से कोई लेन देन नहीं लेकिन सस्ता लालसा है, मुझको मिनिस्टर बनना है, तो कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। अब आजकल आप स्वाभाविक जानते हैं कि विचारधारा आइडियोलॉजी से नहीं, सत्ता लालसा, पावर ग्रीड के चलते लोग एक से दूसरी पार्टी में ज़्यादातर जाते हैं। इसका एक कारण ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन इज़ गोइंग फॉर पावर ग्रीड ओनली। कुछ तो ऐसे होंगे जो विचारधारा के चलते आए हैं लेकिन फिर उन्हें उस पर्टिकुलर पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा हो कि ये तो विचारधारा के हिसाब से अभी काम नहीं कर रहे, सो देन दे वॉन्ट टू शिफ्ट टू अनदर पार्टी। तो इन सब के अंदर एक कारण ये भी है कि राजनीतिक पक्षों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। कुछ लीडर्स अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन ऊपर जो भी हाई कमांड है वो सुन नहीं रही है वगैरह, और बस चाटुकारिता करो तो आपका नंबर लगे, या दल बदलूगिरी करो तो आपको मिनिस्टर बनाए। तो वट इज़ द वे फॉरवर्ड, दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर मेन्स पेपर 2 एज वेल एज एथिक्स। आप जानते हैं, एक से दूसरी पार्टी में आप चेंज कर देंगे आफ्टर द इलेक्शन
तो वो एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न पक्षांतर कानून के हिसाब से आपकी सीट चली जाए वगैरह वो है, लेकिन ज़्यादातर हम पाते हैं कि या तो उस कानून का सही उपयोग नहीं हो पाता, या तो फिर ये जो पूरा व्हिप सिस्टम है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके चलते इंडिविजुअल एमपी एमएलए को कुछ बोलने का अधिकार रहता ही नहीं, जो उनको व्हिप कहे ऐसा ही उसने वोट करना होता है। तो इंडिविजुअल एमपी का रोल, इंडिविजुअल एमएलए का रोल पहले से कम हो रहा है। तो कुछ आलोचक ये मानते हैं कि ये जो पक्षांतर कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसी को रद्द कर देना चाहिए। फिर क्या होगा, दैट मीन्स फॉर एनीथिंग, जो भी कानून बिल पास हो रहा है उस पर जो भी एमपी एमएलए उसको जो वोट करना है करे, जो पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से उसने वोटिंग करनी है वो कर सकता है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने कोई बिल पास करवाना है या कोई बिल अपोज करवाना है तो भी उसने, हर राजनीतिक पक्ष ने अपने ही सांसद और विधायकों का विश्वास जीतना होगा पहले कि आप वोटिंग ऐसा करना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इंटरनल डेमोक्रेसी विल इम्प्रूव इन एवरी पार्टी, दे विल हैव टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ देयर ओन एमपी एमएलएज टू पासिंग द बिल, सो इट विल एनकरेज मोर डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। खैर वो सब सोचने के मुद्दे व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट थिंग्स। फिर आगे बढ़ते हैं पेज 8 पर, ये यूपीएससी टॉपर राइट टू कैडर, ये एक मुद्दा चल रहा है, वो चीज़ क्या समझते हैं मित्रों। ऑल इंडिया सर्विसेज तीन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इसमें जो आप फॉर्म भरना होता है उसमें आपने इंडिकेट करना है कि मुझे ये आईएएस आईपीएस या फॉरेस्ट सर्विस में मैं सिलेक्ट हुआ तो मुझे कौन से स्टेट में नौकरी करनी है, मेरी अपनी पसंद क्या है आपने बतानी होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 2016 की न्यूज़, आईएएस टॉपर टीना डाबी, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी मुझे हरियाणा में पोस्टिंग चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिला और राजस्थान में भेजा गया। उसी तरह उसके भूतपूर्व पति अथर को कश्मीर कैडर चाहिए था लेकिन उसको भी राजस्थान भेजा गया। तो इसका फर्स्ट रैंक था, ये अथर का सेकंड रैंक था, तो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण समझते हैं। वाई रैंक वन एंड रैंक टू डिड नॉट गेट होम कैडर्स, क्योंकि हर एक राज्य में इनसाइडर की वैकेंसी होती है और आउटसाइडर की वैकेंसी होती है, मतलब जो राज्य का अपना है और जो राज्य के बाहर वाला है। ऐसा क्यों किया होगा, ताकि हर एक आदमी अपने राज्य में नौकरी करे तो फिर वो ज़्यादा रीजनलिज्म और भाषावाद प्रांतवाद को बढ़ोतरी हो जाए। तब देखिए उस ज़माने में, मतलब सीएससी 2015, क्योंकि ये न्यूज़ 2016 की क्यों है, क्योंकि एक साल पहले की परीक्षा का रिजल्ट एक साल बाद आता है, वो एक साल चलती है आप जानते हैं। हाँ तो देखो हरियाणा टीना डाबी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, लेकिन उस वक्त वैकेंसी कितनी थी, टोटल वैकेंसी हरियाणा में आईएएस की 2 थी, उसमें इनसाइडर की 1 और आउटसाइडर की 1 थी, 1+1=2। अब ये जो इनसाइडर और आउटसाइडर की वैकेंसी थी उसमें भी देखो, अनरिजर्व में 0 वैकेंसी, ओबीसी में 0 वैकेंसी, एससी में 0 वैकेंसी, सिर्फ एसटी में वैकेंसी थी, एक इनसाइडर के लिए और दूसरा आउटसाइडर के लिए। सो एज अ रिजल्ट, इवन दो शी वुड वांट हरियाणा मुझे मिले, लेकिन नहीं मिलेगा, तो फिर उसकी आगे क्या आपका सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस, उस हिसाब से वो राजस्थान भेजा। उसी तरह कश्मीर, अब उस ज़माने में कश्मीर अलग कैडर था, अभी तो मेरे ख्याल से ऑगमट में वो मर्ज हो गया, लेकिन उस वक्त भी देखो कश्मीर में 2 वैकेंसी थी लेकिन उसमें इनसाइडर की 0 वैकेंसी, तो अथर ने लिखा हो कि मैं जम्मू कश्मीर मेरा होम कैडर माना जाए, लेकिन इनसाइडर की वैकेंसी नहीं तो उसे नहीं मिलेगा, 2 आउटसाइडर जो जम्मू कश्मीर नहीं बाहर वाले हैं उनको मिले। सो दैट इज द सिस्टम। अब ये तो 2015-16 का ज़माना, वहाँ पर आपने सीधा ही कैडर लिखनी होती थी। 2017 से एक नई सिस्टम है जिसे हम कहते हैं जोनल कैडर पॉलिसी। जोनल कैडर पॉलिसी क्या है, अब वैसे आज न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं तो टाइम पास के लिए मैं ये समझा के वीडियो लेंथ कंप्लीट करता हूँ। हाँ, जोनल कैडर सिस्टम वो ऐसा है कि पूरे भारत को 5 जोन में विभाजित किया है। जोन 1, तो उसमें ये नॉर्दर्न रीजन, ऑगमट मतलब ये यूनियन टेरिटरी, गोवा, वो सब चीज़ें। फिर जम्मू कश्मीर वो पहले अलग था लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बना तो वो सब भी मेरे ख्याल से ऑगमट में ही है। फिर हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह। फिर जोन 2 में आएगा उत्तर प्रदेश और वो सब चीज़ें। जोन 3 में गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब ये सेंट्रल और वेस्टर्न वाला हिस्सा। जोन 4 में आएगा ईस्टर्न वाला हिस्सा और जोन 5 में तेलंगाना, आंध्र, वो सब साउथ वाला हिस्सा। तो जो फॉर्म भरना होता है, अब फॉर्म कब भरना होता है समझो, देखिए आप पहले तो प्रीलिम का फॉर्म भरेंगे तब ये सब नहीं पूछेंगे, मेंस का फॉर्म भरेंगे तब भी ये नहीं पूछेंगे, मेंस का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपने वापस एक और फॉर्म भरना होता है जिसे कहते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2, उसमें पूछा जाएगा। तो आपने इस तरह से जोन का प्रेफरेंस देना होगा कि अच्छा मुझे नॉर्थ में, साउथ में किधर नौकरी करनी, एंड विद इन दैट जोन
आपने प्रेफरेंस देना होगा कि मुझे ये वाले स्टेट में फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये वाले स्टेट का सेकंड प्रेफरेंस है वगैरह। अब एग्जांपल के लिए शायद मैं ऐसा लिखूं कि मुझे, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूं तो मुझे गुजरात में पोस्टिंग चाहिए, ऐसा दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि जोन 3 यानी वेस्ट उसको मैं पहला प्रेफरेंस दूँ और उसमें भी गुजरात को फर्स्ट प्रेफरेंस दूँ, दूसरा महाराष्ट्र को दूँ और तीसरा मध्य प्रदेश को दूँ। मान लीजिए इधर वैकेंसी नहीं तो मुझे साउथ में ये वाला प्रेफरेंस, नॉर्थ वेस्ट में ये वाला प्रेफरेंस। अब असल में एलोकेशन कैसे होगा, सबसे पहले चेक किया जाएगा अच्छा गुजरात में वैकेंसी है कि नहीं, इनसाइडर के लिए नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो नेक्स्ट जोन में जाएंगे। जोन 5 में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कर्नाटक हो, मान लीजिए उधर भी वैकेंसी ना हो तो फिर वो जाएंगे उसके बाद वाला कौन सा है, जोन 1 मान लीजिए, तो उसमें राजस्थान मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हो, मान लीजिए उधर भी वैकेंसी नहीं तो फिर वो वापस जिगजैग करके ऊपर आएंगे, अच्छा तो वापस ओरिजिनल जोन में आओ, जोन 3 में, और उसमें मैंने सेकंड प्रेफरेंस महाराष्ट्र, अच्छा उधर वैकेंसी है कि नहीं, नहीं है तो फिर वो सेकंड जोन, सेकंड प्रेफरेंस वाला जोन के सेकंड स्टेट में है कि नहीं, ऐसे चलेगा, ऐसे जिगजैग चलते जाएगा। ये तो 3 ही दिए हैं, 5 दे सकते हैं वगैरह। प्रश्न अगर मैंने इसमें इंडिकेट नहीं किया हो तो क्या होगा, तो अल्फाबेटिकल तरीके से ABCD तरीके से आपको किधर भी पोस्टिंग दे देंगे। अब उसमें क्या होगा, ABCD के हिसाब से आपको लगता है आंध्र प्रदेश मिले, नहीं भाई वो तो उनके इंसाइडर और बाकी सब लोगों ने पहले से देख के रखा होगा आसपास के साउथ के स्टेट वालों ने। फिर आप सोचे ऑगमट मिले तो उसमें भी कई सारे लोग ने लिख के रखा होगा, तो फिर क्या होगा, दूसरे जो ऐसे होंगे स्टेट वहाँ पर आपको ABCD के हिसाब से आसाम मेघालय में भेजा जाए वगैरह। खैर उस पर और डिटेल वीडियो मैं कभी बनाऊँगा। तो मामला ये आया, एक कोई लेडी IAS ऑफिसर जो केरला से बिलोंग करती थी, उसने अपने फॉर्म में भरा होगा कि मुझे केरला में पोस्टिंग चाहिए, लेकिन शायद उस ज़माने में नहीं होगी पोस्टिंग, वैकेंसी नहीं होगी उसके होम कैडर में, इनसाइडर वैकेंसी नहीं होगी, तो उसे हिमाचल प्रदेश भेजा गया, शी वॉज अलॉटेड हिमाचल प्रदेश। तो उसने केरला हाईकोर्ट में कहा कि मुझे वापस वहाँ जाना है, तो केरला हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि ये जो ऑफिसर है उसको केरला में पोस्टिंग दो। तो केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस, तो दे हैव ऑप्टेड टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, ये तो प्रेफरेंस पूछा गया, अगर वैकेंसी होगी तो देंगे, अदरवाइज ऐसी कोई लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, दे डू नॉट हैव राइट टू कैडर, वो जिधर पोस्टिंग दिया जाए पूरे भारत में उनको नौकरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी ये पूरा मामला ही ख़त्म कर दिया, उसको ऐसी कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी और ये केरला हाईकोर्ट का जो आदेश है उसे नहीं माना जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे बढ़ते हैं पेज 10, उसमें ये एक हॉलीवुड एक्टर एलेक बॉल्डविन, वो कुछ फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उसमें प्रॉप गन मतलब वो जो नकली बंदूक होती है उसमें से गोली चलाए तो आवाज़ आएगी, चिंगारी दिखेगी लेकिन असल में बंदूक की बुलेट तो नहीं निकलेगी, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ और उसने गोली चलाई तो उसमें महिला स्टाफ में महिला की मृत्यु हो गई। तो वो है, अब ये जो एलेक बॉल्डविन है वो असल में मशहूर था, ये डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री बहुत करता था, तो मेरे ख्याल से यार डोनाल्ड ट्रंप बहुत मौज में आ गया होगा उसको कि देख तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो अपनी हाथ में खुजली को मिटा नहीं पाएगा क्योंकि ट्विटर और फेसबुक दोनों ही जगह डोनाल्ड ट्रंप का तो अकाउंट बैन है। लेकिन इसमें समझना क्या है कि दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है और उस वक्त आपके जो भी दुश्मन या शत्रु या प्रतिस्पर्धी है वो लोग मौज में आएंगे ही आएंगे, ऐसा अपने साथ भी हो सकता है। बहुत मेहनत करके आपने UPSC की परीक्षा दी हो लेकिन प्रीलिम क्लियर ना हो तो लोग आ जाते हैं पूछने के लिए और मज़े लेने के लिए कि तेरा नहीं हुआ, तो हमेशा अपने को धैर्य बना के रखना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। अब इसकी उसने तो बड़ी सी एक्सप्लेन सीरीज दी है कि ब्रूसली का बेटा था उसका भी सेट पे ऐसे मृत्यु हो गया था, लेकिन वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। दूसरी एक एक्सप्लेन सीरीज है फेसबुक का मेटावर्स, अब असल में तो कल परसों में ही हमने देखा था कि वो सब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आप अलग दुनिया में जी सके, मतलब आप गरीब हो लेकिन वो सब वीडियो गेम में होता है कि आप अपना सब कैरेक्टर या अवतार बना सके जो बहुत ही अमीर और पावरफुल हो, ऐसी सब जो ऑल्टरनेट वीडियो गेमिंग खेलते हैं ऐसा सब कुछ करने की सोच रहे हैं, वो देखना एक्सप्लेन सीरीज, मुझे इतनी कोई ज़ोरदार चीज़ लगी नहीं अभी। तो आगे बढ़ते हैं पेज 11 में, वही ताइवान अमेरिका चाइना के बारे में। अमेरिका ये कह रहा है कि ताइवान की हम रक्षा करेंगे, चीन ये कह रहा है ताइवान हमारा टापू है वो कोई अलग देश नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरा ऐसा ही मसला चल रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान विजिट में गए तो अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं ने
पाकिस्तान के विदेश मंत्री को ये वचन दिया है कि हम अफगानिस्तान की भूमि को आतंकवाद के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे, खासकर जो पाकिस्तानी तालिबान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीपीवी पार्टी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान में से बलूचिस्तान अलग देश बनाना चाहते हैं, तो उनको हम अफगानिस्तान की भूमि इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये ऐसी सब बात करें, अपने को फ़र्क पड़ता है, ऑफकोर्स पड़ता है। देखिए मेंस पेपर टू में ऐसा है कि इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, तो ये सब इश्यूज आर अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। पेज 12 क्या होता है, इकोनॉमी। वैसे इकोनॉमी में कुछ खास काम का नहीं। आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट साइड के, 3 आरबीआई साइड के, और वो सब वोटिंग से तय करते हैं रेपो रेट क्या होना चाहिए और मेजोरिटी वोटिंग के हिसाब से काम होता है। अब ऐसा हुआ है कि पिछली मीटिंग में एक मेंबर थे वर्मा जी, उन्होंने ऐतराज़ जताया कि ये जो अभी अकोमोडेटिव पॉलिसी चल रही है, यानी रेपो रेट को या तो 4% रखेंगे या उससे कम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, लोन महंगे नहीं होने देंगे, ये सब की ज़रूरत नहीं है। अब इकोनॉमी वापस खड़ी हो रही है और ये सस्ते लोन के चलते डिमांड बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ही कॉल्ड फॉर टाइटनिंग। उसका मतलब क्या, वो ऐसा बोल रहे थे रेपो रेट को बढ़ाओ, लोन को महंगा करो, महंगाई से लड़ना है वगैरह वगैरह। ये हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, ये बेसिक थियरी पता होनी चाहिए। और पूरे साल का जो ऐसा ट्रेंड रहा मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हम पढ़ेंगे किधर, विन 22 सीरीज़ में। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कंपनी को और ज़्यादा पूंजी चाहिए तो बाज़ार में पहली बार अपने शेयर इशू करे। एक ज़माने में कोल इंडिया ने इशू किए थे, वो सबसे बड़ा IPO था क्योंकि उसने करीब 15,000 करोड़ रुपये बटोरे थे एक दशक पहले। अभी 2021 में सेबी ने अनुमति दी है, नवंबर में शायद आएगा पेटीएम का IPO जो 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा, तो वो भारत का सबसे बड़ा IPO होगा ऐसा माना जाता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। ये बिजनेस जनरल नॉलेज खासकर नॉन IAS एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए। फिर RBI के एक डेप्यूटी गवर्नर ने ये कहा कि अगर बड़ी NBFC फेल हो जाएगी तो छोटी NBFC को भी दिक्कत आएगी। ये तो सब भाई कॉमन सेंस की बात है। बड़ा मुद्दा ये था क्या, शैडो बैंकिंग, वो तो हम आराम से पढ़ चुके हैं विन 21 सीरीज, और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं विन 20 सीरीज में, वो सब देख लेना, फ्री में ही पढ़ाए। G7 समिट कुछ हुई होगी, या तो उनके बड़े नेताओं की या उनके फॉरेन मिनिस्टर या इकोनॉमी मिनिस्टर जो भी, अब उसमें कुछ डिजिटल ट्रेड और डेटा के बारे में उन्होंने अग्रीमेंट किया है। अभी हम खुद पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ बड़ी चीज़ हुई है तो आज नहीं तो कल इंडियन एक्सप्रेस वाला लंबी चौड़िया एक्सप्लेन सीरीज़ बनाएगा, कुछ लोग कॉलम लिखेंगे, फिर हम आराम से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ हो जाए तो ये नहीं भाई कल सुबह अपनी परीक्षा नहीं है, अपनी परीक्षा अगले साल है। कितने दिन बाकी है, 225 डेज, तो कोई किसी और को रिसर्च करने दो, टाइम वेस्ट करने दो, फिर वो अपने को जिस्ट बना के दे, फिर उसका हमने जिस्ट पढ़ना है। पेज 14 स्पोर्ट्स, तो उसमें क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ये कहा कि गुरु एक हद से ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, वो तो खिलाड़ी ने खुद ही जाके असल लड़ाई और असल खेल खेलना है। अ मेंटर कैन ओनली हेल्प एज मच, इट इज़ अल्टीमेटली द प्लेयर हु विल हैव टू गो आउटसाइड एंड परफॉर्म द एक्चुअल टास्क, हाउ दे हैंडल द प्रेशर डिटरमाइंस द रिजल्ट वगैरह वगैरह। अब वो असल ने ज्ञान के लिए दिया या फिर उसको कुछ अंगूर खट्टे हैं कि धोनी को क्यों मेंटर बनाए और उस राहुल द्रविड़ को क्यों कोच बना रहे हैं। एनीवेज, तो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।